सो गाइज, अभी अभी मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी है टीवी पे। टिकटॉक सहित 59 चाइनीज जो ऐप्स थी ना, उसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है। अभी सोच रहे हो कि बाहर क्यों आया हूँ, गेट पे लॉक लगाने आया हूँ, रात हो गई है, दोनों गेट्स चेक करने हैं, उधर वाला बिल्कुल वहाँ पे और एक यहाँ पे। देखो न्यूज़ आ रही है 59 ऐप्स को भाई ब्लॉक कर दिया है, ये हुई ना भाई कुछ बात। भाई ये हुआ ना बिल्कुल वाला डिसीजन भारत सरकार का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि टिकटॉक वाले छपरियों के दिल पे क्या गुजर रही होगी। और भाई इसको बैन करने का, इन इतनी सारी ऐप्स को बैन करने का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है कि हमारे डेटा की सुरक्षा, क्योंकि इन सारी ऐप्स के अंदर इतनी सारी परमिशन चाहिए होती थी ना, और आपका डेटा जो है ना लगातार लीक हो रहा था। ये ऐप्स आपका डेटा लीक करके चाइना भेज रहा था। तुमने एक और चीज नोटिस की होगी कि इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो कि फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, और उनके अंदर सबसे पॉपुलर होते हैं एयरपॉड्स या फिर जो घड़ियां वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो तुम खरीदते हो, ठीक है। और उसकी बहुत बड़ी मात्रा अली एक्सप्रेस हुआ या जो क्लब फैक्ट्री ऐप हुआ, तो इससे भी अपने यहाँ पे आती है इंडिया में। तो क्लब फैक्ट्री ऐप को भी अभी बैन कर दिया, उस पर तो भाई साहब चाइनीज फर्स्ट कॉपी धड़ाधड़ बिकता है। तो वहां से चीजें यहाँ पे इंस्टाग्राम पे ट्रांसफर, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं मुझे पता है, लेकिन ये एकाध जो सोर्स में आया है जो तुमको बता देता हूँ, तो उसमें से एक ऐप वो भी है, तो उसको भी बैन कर दिया। तो थोड़ा बहुत जो ये चाइनीज कॉपीज जो यहाँ पे बिकती है ना, तो उससे उस पर थोड़ा सा फर्क थोड़ा सा ही आएगा, और बाकी बहुत सारे रास्ते जिससे आ जाएगा। मुझे पता है तुम कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके खरीदोगे और फिर बाद में बैठ के बॉयकॉट चाइना करोगे, मुझे अच्छे से पता है। मुझे एक बात भाई सीरियसली आज तक समझ में नहीं आई है कि मतलब वो पॉड्स वगैरह जितने भी तुम पैसे उसके लिए खर्च करते हो ना उस चीप कॉपी के लिए, तो उतने में तो भाई एक अच्छा प्रोडक्ट ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, क्या मतलब है। शोबाजी एक दिन देखना, शोबाजी में जरूर झीली चुके कभी। तो चलो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, कपड़ों को भी नहीं बख्शा, वहां पे फर्स्ट कॉपी ये जितने भी हैं, जो रिबॉक हो गया, नाइकी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसकी भी फर्स्ट कॉपी मिलती है, और तुम साले उसके लिए भी पैसे खर्च करते हो और फर्स्ट कॉपी पहनते हो जिसका मतलब घटिया क्वालिटी का कपड़ा होता है। इससे अच्छा अपने यहाँ पे कोई सही ब्रांड जो होता है ना, जो वाजिब दामों में मिलता है, वो पहन लो यार, किसको दिखाना है किसको। अगर तुम खुद अच्छे हो गए ना, तो कपड़ा कभी भी तुमको जस्टिफाई नहीं करता कि तुम अच्छे हो बुरे हो, अमीर हो गरीब हो, भाई तुम बढ़िया हो ना, तो एक बनियान फटा हुआ भी पहन के निकलोगे ना, तो भाई फटा बनियान थोड़ा सा ज्यादा हो गया, भावनाओं में बह गए। लेकिन इन शॉर्ट मेरा ये कहने का मतलब है, कपड़े कभी भी आपको मतलब ना तो कभी जज करते हैं, ना ये बताते हैं कि आप अच्छे हो या बुरे हो, कपड़ों से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं, अब जैसे कि ये आईफोन है मेरे पास में, तो बीच में जो एप्पल दिख रहा है ना, अगर कोई कवर भी लेता है ना, या तो ट्रांसपेरेंट लेगा, मेरा भी ट्रांसपेरेंट ही है, नहीं तो अगर जो फुल जो इसका कहेगा ना भाई बचाव भी करना है इस फोन को, तो ये जो एप्पल का लोगो है ना भाई, इसके ऊपर गोला मंडा होना चाहिए, यहाँ से ये झांकना चाहिए, बिल्कुल दिखना चाहिए, तुम्हारे आंखों में गड़ जाना चाहिए कि भाई इसके हाथ में एप्पल का फोन है। यही बस ये हरकतें क्या होती है ना कि एक जना करता है ना, तो उसको फॉलो करते हैं दूसरे जने, और दूसरे लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते ना, बस फिर वहीं से जो चाइनीज चीजें होते हैं ना, उनका आगमन शुरू हो जाता है। मत खरीदो कम पैसों में, जेन्युइन अच्छी चीज खरीदो ना, क्यों खरीदना है। तुम लोग कहोगे कि भाई कम पैसों में अच्छी चीज आती ही नहीं है, और जो कम पैसों वाली चीज लेते हैं ना, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। तो भाई मैंने अपने जो पिछला वीडियो था उसमें भी यही कहा था कि भाई अगर चाइनीज आइटम हटाने हैं ना, तो उसका अल्टरनेट हमारे यहाँ पे जब तक नहीं बनेगा ना, तो उसको पूरी तरीके से हम नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि हर कोई यार 70-80 हज़ार रुपए का फोन अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब एकदम से मुंह से अगर फोन की बात निकल ही गई है ना, तो भाई जैसे तुम लोगों को पता ही है कि Xiaomi के जो अपने यहाँ पे शोरूम्स थे ना, अब उन्होंने क्या किया कि अपना जो लोगो है वो कवर करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दुकानदारों का या फिर शोरूम मालिकों का कहना है कि भाई अब जैसे एंटी चाइना वाला जो कैंपेन चल रहा है कि बॉयकॉट चाइना, तो उस वजह से वो सहम गए कि ऐसा नहीं हो कि लोग आ जाएं उनके शोरूम में, तोड़ फोड़ कर दें, उनका नुकसान कर दें। तो भाई ऐसी चीज कभी भी किसी के साथ में मत करना, क्योंकि भाई वो तो अपना ही बंदा है ना, इंडिया में रह रहा है, उसको थोड़ी पता था इतने सालों से तुम लोग चाइनीज चीजें, चाइनीज ऐप्स या फिर सब यूज कर रहे हो, तो अभी तुम्हारे अंदर क्योंकि ये चीज हो गई, तो अपने लोगों का तो नुकसान मत करो ना। एटलीस्ट उसने तो अपना पैसा लगा ही दिया ना, एक बार तो गया चाइना पैसा, और अगर तुम तोड़फोड़ उसके अगले के मचा दोगे तो उसके तो डबल नुकसान हो जाएगा, वो तो अपना भाई है ना। जब बॉयकॉट चाइना की शुरुआत हुई थी, इस हैशटैग ने जैसे ही ट्रेंड करना शुरू किया, तो लोगों ने एक अनोखा तरीका निकाला कि अपने कुछ सामान उठा उठा के बाहर फेंके, तोड़े, जलाए, ठीक है, ये शुद्ध
बेवकूफ़ लोग हैं, कृपया ऐसी हरकत बिल्कुल मत करना, इससे तुम्हारा दुगना नुकसान हो रहा है। जो चीज़ खरीद ली वो खरीद ली। कुछ आते हैं शाणे लोग, ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर, जो कि देख रहे हैं कि ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, बॉयकॉट चाइना, तो अपन भी हाथ धो लेते हैं, अपन को भी ट्रेंड तो फॉलो करने है ना, गधे है ना, क्योंकि कोई भी ट्रेंड मिल जाए इनका लेना देना कुछ नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेंड चल रहा है ना, इनका खुद का कुछ नहीं होता, लेकिन हमको शामिल हो रहा है कैसे भी, तो अपने ओप्पो, वीवो, Xiaomi, OnePlus इन्हीं फोन से ट्वीट करना शुरू कर देंगे, इंस्टाग्राम की स्टोरी डालना शुरू कर देंगे। और मैं तो कह रहा हूँ, हाँ बढ़िया है ना, तुमने खरीदा है, इसको तोड़ना थोड़ी है, लेकिन ये दूसरों को एंकरेज करेंगे ना, तोड़ दो, जला दो, फूंक दो, भाई तुम अपना फोन फूंको पहले, दूसरे के घर का नुकसान कर रहे हो, तुम फूंक के बताओ, बोलो, मुझे बोलो कि हाँ भाई तेरा जो कोई भी सामान अगर ऐसा कोई है जो कि चाइनीज प्रोडक्ट है, तोड़ दो, घंटा ना तोड़ू मैं, तुम आके रिप्लेसमेंट दे रहे हो मेरे को, मैं अपने घर में दुगना नुकसान क्यों करूँ। मैं खुद कह रहा हूँ कि बॉयकॉट चाइना, लेकिन जो चीज़ ले ली उसको तोड़ के कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा। सॉल्यूशन तब ही निकलेगा जब इस चीज़ का अल्टरनेटिव हमको मिलेगा, हमारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें बननी शुरू हो जाएगी, तब कोई क्यों लेगा इन सब चीज़ों। कुछ ही दिनों पहले फ्लिपकार्ट के ऊपर सेल हुई थी, जिसके अंदर MI का कोई मोबाइल था जो कि सेल पे आया था, 50 सेकंड के अंदर पूरा के पूरा स्टॉक क्लियर हो गया। 50 सेकंड किसको कहते हैं, तो ये किसने खरीदा? बॉयकॉट चाइना तो चल ही रहा है ना, क्यों खरीदा? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है दोस्त। हर कोई 70-80 हज़ार रुपए का मोबाइल नहीं खरीद सकता, और जो 70-80 हज़ार रुपए का मोबाइल आता है ना, वो भी चाइना से कहीं ना कहीं से असेंबल होके आता है, बड़ी सी बड़ी कंपनी का, और वो ही सारे फीचर्स जब तुमको 20-22 हज़ार रुपए में आसानी से मिल जाते हैं ना, तब तुम लोग वो खरीदते हो। तो तब तक, जब तक अल्टरनेट नहीं आएगा ना, ये चीज चलेगी। तो ये बचकानी हरकतें छोड़ो, थोड़े से मैच्योर बनो। और शायद हो सकता है इस वीडियो का टाइटल भी मैं ये लिख दूं कि भाई ये वीडियो वही देखे जो मैच्योर है, क्योंकि जो दूसरा देखेगा ना, जो भेड़ चाल में चलता है, वो ये कहेगा कि ये कोई चाइनीज प्रोडक्ट का समर्थन कर रहा है, लेकिन जो समझदार होगा ना, वो इस बात को समझेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चक्कर क्या है ना, सीधा सीधा कि ट्रेंड को फॉलो करने के लिए, ये हैशटैग जो ट्रेंड करते हैं, इनको फॉलो करने के लिए लोग भूल जाते हैं कि असलियत क्या है। अगर इन शाणों के घर पे जाके बोलो ना कि भाई तुम एक काम करो, गूगल खोल लो, जितनी जितनी कंपनियों के तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, एक लिस्ट बना लो, देख लो कौन सा असेंबल हुआ है, कौन सा बना है, सबको बाहर ले जा के तोड़ो और फूको, आधे से आधा तुम्हारा जो घर का सामान है ना, इलेक्ट्रॉनिक वाला, सब फूक जाएगा, एक बात ध्यान रखना। भाई जैसे भारत सरकार ने अभी एप्स बैन किए हैं ना, आने वाले समय में हो सकता है हम कम से कम चीज़ों को इम्पोर्ट करें चाइना से, और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ भारत में ही विकसित करें, ताकि हमें मेड इन इंडिया वाले प्रोडक्ट्स मिल सके, और वो भी कम दरों में, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी वाले। अब भाई मेरे को पता है कि जो समझदार व्यक्ति है ना, उसको तो आगे समझ के ये बंदा क्या कह रहा है, लेकिन जो शाणे लोग होते हैं ना, उनको अभी भी कहीं पे भी लग सकता है, क्योंकि दिमाग की थोड़ी कमी होती है, तो उनको कहीं लग सकता है क्या पता ये चाइनीज जो सामान है उसका सपोर्ट कर रहा है। तो एक बात तुम शाणे लोग अपने ना गांठ बांध लेना कि तुमसे ज्यादा भारतीय हूं मैं, ठीक है, और वो भी दिमाग के साथ। सो गाइस, इस वीडियो या इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसे कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूं कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।